अब स्टार्ट होता है एक्ट थर्ड, सीन फर्स्ट, जो ओलिविया के गार्डन में घटित होता है। सीन फर्स्ट एक्ट थर्ड का पहला दृश्य है। ओलिविया कम्स आउट टू मीट सिसेरियो। जैसे ओलिविया को पता चलता है सिसेरियो आया है, तो ओलिविया कम्स आउट टू मीट सिसेरियो, ओलिविया सिसेरियो से बाहर मिलने के लिए आती है। तो ये दूसरी बार है जब सिसेरियो, मतलब वायला है, आपको पहले बता दिया है, जो सिसेरियो है, कन्फ्यूज मत होइएगा, वायला ही लड़के का वेश धारण कर सिसेरियो बनी हुई है। ओलिविया कम्स आउट टू मीट सिसेरियो, ओलिविया सिसेरियो से मिलने बाहर आती है। जब वो दूसरी बार आता है ड्यूक के आदेश पर ओलिविया से मिलने के लिए, एज ही अप्रोचेस हर हाउस, और जैसे ही वह उसके घर की ओर बढ़ता है, एंड इंसिस्ट ऑन बींग लेफ्ट अलोन विद हिम, और वो चाहती है बाकी सेवकों से, वो कह देती है कि उसे उस गार्डन में उसके साथ अकेला छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी प्रवेश ना करे। एट फर्स्ट, शुरुआत में ओलिविया सीम्स टू एक्सेप्ट दैट सिसेरियो डज नॉट रिटर्न हर लव। शुरुआत में ओलिविया को लगता है कि शायद सिसेरियो जो है डज नॉट रिटर्न हर लव, वह उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा, या उसे उसके वह उसे प्रेम करती है और उसे उससे उसके बदले प्रेम नहीं मिलेगा, मतलब सिसेरियो उससे प्रेम नहीं करेगा। बट देन डिक्लेयर्स, लेकिन फिर वो डिक्लेयर करती है, वह उससे कहती है आई लव डी सो। डी का मतलब यू होता है, या आर्केइक लैंग्वेज है जो पहले लिखी जाती थी। THEE का मतलब होता है यू एज एन ऑब्जेक्ट। आई लव यू सो, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। दैट मोगा मोगा माया डिस्पाइट, इसके बावजूद, ऑल माई प्राइड, भले ही मेरे अंदर कितना भी गर्व है, नॉट वीट, बुद्धि नहीं है, नो रीजन, और ना ही कोई तर्क है, मतलब मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्यों तुमसे प्रेम कर रही हूँ, क्यों मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, नो रीजन, ना ही कोई कारण है। कैन माई पैशन हाइड, मेरे पैशन को छिपा नहीं सकते हैं, मतलब वो कहना चाह रही है कि आई लव यू सो, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दैट मोगर के बावजूद, भले ही मेरे अंदर कितना भी गर्व हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ना ही कोई ज्ञान है और ना ही कोई कारण है इसके पीछे। कैन माई पैशन हाइड, मतलब मैं सोच समझ कर भी, या मैं अगर दिमाग लगाऊं भी और रीजन भी लगाऊं, तो भी मैं अपने पैशन को, ये सारी जो बातें हैं, ना तो मेरा गर्व, ना ही मेरी बुद्धि, वेट माने बुद्धि होता है, ना ही कोई कारण, मेरे इस पैशन को, मतलब ये जो प्यार है तुम्हारे लिए, इसको हाइड माने छिपा नहीं सकता है। एंड सी आस्क हिम टू विजिट हर अगेन, और वो उससे कहती है कि तुम फिर दोबारा जरूर आना। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दूसरी मीटिंग होती है ओलिविया और सिसेरियो के लिए, के सिसेरियो, ओलिविया की सिसेरियो के साथ, और वह उससे वादा, वह उससे चाहती है कि, वह उससे बता देती है यहाँ पर कि वह उससे प्यार करती है, और वह चाहती है कि वह उससे दोबारा जरूर मिलने के लिए दोबारा जरूर आए। अगला होता है सीन सेकेंड। तो सीन सेकंड को देखते हैं। सीन सेकंड में देखिए क्या हैविंग सीन हाउ मच अटेंशन ओलिविया, तो यहाँ पर होता हैविंग सीन हाउ मच अटेंशन, जब वो दिखा देखता है कि ओलिविया गिव्स टू सिसेरियो, की ओलिविया सिसेरियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ये कौन सोच रहा है, सर एंड्रू एग्विची। तो सर एंड्रू जो है, सर एंड्रू जिसे सर टॉबी ने बुलाया है कि भाई वो ये कहकर कि जो उसकी भतीजी है ओलिविया, वो उसी से शादी करेगी। जब ये सर एंड्रू ये सब देखता है कि भाई जो ओलिविया है ये तो इससे प्रेम कर रही है, सिसेरियो से प्यार करती है, एंड उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो सर एंड्रू को रियलाइज़ होता है दैट ओलिविया हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैरिंग हिम, कि ओलिविया को उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड डिसाइड, और डिसाइड करता है, आई विल नॉट स्टे अ जॉट लॉन्गर, कि वह अब और वहाँ पर ठहरेगा नहीं, अब वहाँ से छोड़कर चले जाएगा। सर टोबी और बाकी सर्वेंट हैं, जो अदर अनदर सर्वेंट, एक और सर्वेंट है फेबियन, सर टोबी और सर फेबियन जो हैव फन कन्विंसिंग हिम, लेकिन वह मजे करते हैं उससे, उससे मजाक करते हैं, कन्विंसिंग और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं दैट ओलिविया वॉन्ट्स टू मेक हिम जेलस, कि ओलिविया उससे जलाना चाह रही है, इसलिए ऐसा वो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सर टोबी और जो सर सर्वेंट है फेबियन, वो दोनों यहाँ पर चाल चलते हैं, वह चाहते हैं कि सर एंड्रू वहीं रहे क्योंकि उनका खाना पीना चलता रहेगा। तो सर फेबियन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ओलिविया वॉन्ट्स टू मेक हिम जेलस, कि भाई ओलिविया कोई उससे प्यार व्यार नहीं करती है सिसेरियो से, वो तो केवल तुमको जलाना चाहती है, क्या, ताकि तुम जलो उससे। एंड ही अग्रीज टू चैलेंज सिसेरियो, और वो अग्री हो जाता है जो सर एंड्रू है कि वो सिसेरियो को अब चैलेंज करेगा, ए ड्यूल, ड्यूल का मतलब द्वंद्व युद्ध के लिए उसे चैलेंज करेगा। तो यहाँ पर तो सर जो सर एंड्रू है वो छोड़ के जाने वाला होता है उसका महल ओलिविया का, लेकिन बाद में सर टॉबी और फेबियन उसको विश्वास दिला देते हैं कि भाई वो तो तुमसे ही प्यार करती है, ओलिविया जो है वो तुमसे ही प्यार करती है, वो केवल तुम्हें जलाना चाह रही थी इसलिए ऐसा वो कर रही है। और सर एंड्रू इस बात को सुनकर फिर वो कहता है कि मैं इसको चैलेंज करूँगा सिसेरियो को,
मारिया देन अराइव्स टू टेल, मारिया फिर वहाँ पर पहुँच जाती है टू टेल द मालवेलियो कि उनको बताने के लिए, मालवेलियो इज अबाउट टू गो टू ओलिविया वियरिंग येलो सी स्टॉकिंग अ कलर सी हेड्स। तो यहाँ पर फिर मारिया पहुँच जाती है, मारिया ने भी आपको पता है अभी पीछे लेटर वाला गेम हुआ है, उसने मारिया ने एक चाल चली है, लेटर गिराया था मालवेलियो को और उसमें लिखा था कि जो उसकी जो मालकिन है ओलिविया वो उससे मिलना चाहती है और उसे येलो स्टोकिंग पहन के आना है, बस यही वाली बात वो बता रही है यहाँ पर। मारिया देन अराइव्स टू टेल देन मालवेलियो, तो वहाँ पर उनको ये बताने के लिए मालवेलियो के लिए आ जाती है कि मालवेलियो इज अबाउट टू गो टू ओलिविया, कि मालवेलियो अब उसे पत्र मिल गया है और वो पत्र पर विश्वास कर लिया है उसने और वो अब बस ओलिविया के पास जाने ही वाला है इस येलो स्टोकिंग पहनकर, उस रंग के येलो स्टोकिंग, और जबकि जो येलो स्टोकिंग है येलो जो कलर है अ कलर सी हेट्स, ओलिविया को बहुत ही नफरत है उस। अब ये देखिए यहाँ पर मारिया ने जो लेटर की चाल चली थी वो कामयाब होती ही नज़र आ रही है, क्योंकि जो जब उसे लेटर मिला मालवेलियो को तो उसने विश्वास कर लिया, हाँ भाई वो सही कह रही है और मतलब उसको विश्वास है हो गया है कि जो उसकी मालकिन है ओलिविया उससे प्यार करती है और वो उस पत्र में लिखा था कि भाई येलो स्टॉकिंग पहन कर आना, तो वही रंग की वेशभूषा पहन के जा रहा है जबकि यह जो रंग है उसकी मालकिन को पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि चाल चली गई है मारिया के द्वारा लेटर की। सीन थर्ड में सेबेस्टियन इज़ प्लीज टू सी काइंड एंटोनियो अगेन, सेबेस्टियन यहाँ पर मुलाकात होती है सेबेस्टियन की, सेबेस्टियन खुश होता है टू सी काइंड एंटोनियो, एंटोनियो को देखकर अगेन एंड सजेस्ट देख सी दे सेट आउट टू सी द टाउन टुगेदर, और वो कहते हैं कि वो निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि हम वहाँ पर टाउन में दोबारा मिलेंगे। एंटोनियो कन्फेसेस दैट ही इज वॉन्टेड मैन इन हिज टाउन, लेकिन एंटोनियो कन्फेस करता है दैट ही इज ए वॉन्टेड कि वो वहाँ उस शहर में जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर मैं वॉन्टेड हूँ, इन ही इज ए वॉन्टेड मैन इन दिस टाउन, इस टाउन में इलीरिया में, क्योंकि उसने कोई अपराध किया है और ड्यूक जो इलीरिया है, इलीरिया का जो प्रशासन है और जो ड्यूक है वो उसको खोज रहा है, तो एंटोनियो को डर लगता है कि वह वहाँ जाने में डर है। ही गिफ्ट सेबेस्टियन हिज पर्स, वो सेबेस्टियन को अपना पर्स दे देता है, इन केस इज हाई हिज आई शैल अपॉन सम टॉय, कि मतलब ये कहने का मतलब उसकी आंखें पड़ेंगी किसी भी टॉय के ऊपर, तो कहने का मतलब है कि अगर उसे कोई चीज़ पसंद आए तो वह उस चीज़ को खरीद सके, इसलिए वह उसको अपना पर्स दे देता है। तो यहाँ पर एंटोनियो सेबेस्टियन को अपना पर्स दे देता है। स्मॉल सोवेनियर का मतलब है कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो उसको पसंद आ जाए। यू हैव डिजायर टू परचेस एंड अरेंजेस टू मीट हिम लेटर एट एन इन कॉल्ड द एलिफेंट, तो यहाँ पर है यू हैव डिजायर, अगर तुम्हारी कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद आती है और तुम उसे परचेस करना चाहते हो, यू हैव डिजायर टू परचेस एंड अरेंजेस टू मीट हिम लेटर, और कहता है कि तुम अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए तो तुम उसे खरीद लेना और मैं तब तक क्या करूँगा अरेंज करूँगा टू मीट हिम लेटर और मैं तुमसे मिलूँगा एट एन इन, इन माने होता है आई डबल एन इन सराय, एक धर्मशाला में मिलूँगा या कहीं ठहरने के स्थान में मिलूँगा, कोई कॉल्ड द एलिफेंट जिसका नाम एलिफेंट है, एलिफेंट नाम की धर्मशाला में मिलूँगा। तो यहाँ पर सीन थर्ड में हम देख रहे हैं कि सेबेस्टियन जो है वो खुश है कि जो एंटोनियो है उससे सहमत हो गया है और वो कहता है कि यद्यपि जो एंटोनियो है उसे डर है कि अगर उस टाउन में वो जाएगा तो उस हो सकता है कि एंटोनियो है सी कैप्टन है, समुद्री कप्तान जिसने सेबेस्टियन को बचाया है, वो वहाँ पकड़ा जा सकता है क्योंकि उसने कुछ अपराध कर रखा है और इलीरिया वाले जो ड्यूक है उसकी तलाश कर रहा है, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता है। और जब वो जाता है सेबेस्टियन जाता है तो वह उसको सेबेस्टियन को अपना पर्स देता है कि अगर तुम्हें वहाँ तो जा रहे हो, अगर तुम्हें कोई इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए तो वो अपना पर्स दे देता है और वो कहता है कि और तुम आ जाना, जो भी चीज़ तुम्हें खरीदनी हो उसे खरीद के आ जाना और हम लोग मैं यहाँ पर अरेंजमेंट कर दूंगा तब तक तुम्हारे लौटने तक का किसी सराय का जिसका नाम एलिफेंट है, एलिफेंट द एलिफेंट सराय का नाम है, याद रखिएगा। सीन फोर में होता है ओलिविया सेंड्स फॉर मालवेलियो, ओलिविया मालवेलियो को बुलाती है एंड इज़ वेरी कन्फ्यूज टू सी हिम ड्रेस्ड इन येलो, और वो बड़ी ही कन्फ्यूज हो जाती है उसकी ड्रेस को देख के कि भाई ये येलो स्टॉकिंग पहनकर क्यों आया है और मुस्कुरा रहा है, बार बार स्माइल देता रहता है ओलिविया को देखकर, क्योंकि वह उसे आपको पता ही है अभी अभी बताया था लेटर वाला सीन हुआ है, लेटर में लिखा था जो मारिया ने ड्रॉप किया था मालवेलियो के लिए कि मालवेलियो से पढ़े और ये विश्वास कर ले कि ओलिविया ने उसे येलो स्टॉकिंग पहनकर बुला रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एज सी लीव्स टू मीट सिसेरियो, और
तो वो बड़ी कन्फ्यूज हो जाती है कि भाई ये ऐसी ड्रेस क्यों पहन के आया है, येलो ड्रेस क्यों पहन के आया है, वो समझ नहीं पा रही है, कन्फ्यूज है। यद्यपि उसने तो कहा ही नहीं है ऐसा करने के लिए। एस सी लिव्स टू मीट सिसेरियो, और वो जब सिसेरियो से मिलने के लिए जाती है, सी टेल्स मारिया, मारिया से वो कहती है भाई लेट दिस फेलो बी लुक्ड, और भाई इसको तो वो कहती है, मारिया से कहती है जो उसके घर की नौकरानी है, कि पता नहीं इसको क्या हो गया, इसका दिमाग विमाग फिर चुका है, और लेट दिस फेलो टू बी लुक्ड टू, इसका ख्याल रखना, एंड आस्क हर टू टू कॉल सर टॉबी फॉर हेल्प, और सर टॉबी को बुलाओ और इसकी देख रेख कहो, इसकी हेल्प करने के लिए कहो, ठीक है। पता नहीं इसका दिमाग तो कहीं ख़राब नहीं हुआ, पता नहीं कैसे कैसे ये वस्त्र पहनकर आ गया है। सर टॉबी मारिया एंड फेबियन ट्रीट मालवोलियो एज इफ द फाइट, तो सर टॉबी और जो फेबियन है मालवोलियो को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानो कि उसमें कोई आत्मा या डेविल, डेविल माने होता है शैतान, शैतान आ गया है फाइट, FIEND, FIE, तो वो फाइंड, तो वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई शैतान वैतान आ गया है इसलिए ऐसा कर रहा है। स्पीक्स विद हिम, वह ऐसे बात करते हैं कि मानो जैसे कि उसके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आ चुकी है, डेविल आ गया, शैतान आ गया है। सीन फोर, सर एंड्रू रिटर्न करता है, इसी अभी सीन फोर ही चल रहा है, सीन फोर का आगे और है। सर एंड्रू, उसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक और दृश्य हो जाता है, सर एंड्रू रिटर्न्स विद द लेटर, सर एंड्रू लेटर के साथ आता है, ही हैज़ रिटर्न चैलेंजिंग, जिसमें अभी अभी आपको बताया था सर एंड्रू ने चैलेंज की करना चाहता है सिसेरियो को, सिसेरियो कौन है, वायला है। सर एंड्रू रिटर्न्स विद द लेटर, सर एंड्रू लेटर के साथ रिटर्न करता है, ही हैज़ रिटर्न चैलेंजिंग, उन्हें पत्र लिखा है सिसेरियो को चैलेंज करते हुए टू अ ड्यूल, कि वह उसके साथ द्वंद्व करना चाहता है, ठीक है, वो उसको हराना चाहता है, वो चाहता है कि वो इसको सिसेरियो को हरा दे, क्योंकि और उसको दुश्मनी हो गई है सर सिसेरियो के साथ, क्योंकि सर एंड्रू भी जो है वो ओलिविया के साथ शादी करना चाहता है। ही थिंक्स देयर इज अ विनेगर पेपर हिट, और जब उसको पत्र मिलता है सिसेरियो को, जब वो पेपर मिलता है, पेपर वो देखता है, वो सोचता है शायद इसमें कुछ विनेगर या पेपर पीपर टाइप का कुछ होगा, विनेगर मिस होगा सिरका, पीपर मिस काली मिर्च, तो काली मिर्च टाइप की होगी। इंट बट सर टॉबी बिलीव्स इट कम्स टू बी अ क्लॉड पॉल, अ फूल और क्लमजी पर्सन, क्लॉड पॉल मिस होता है फूल, एक फूल या आलसी क्लमजी पर्सन के लिए आता है, मूर्ख के लिए, तो वो कहता है कि सर टॉबी को, लेकिन सर टॉबी को पता था कि इस लेटर में क्या लिखा है, तो सिसेरियो तो सोचता है कि कुछ कोई चीज़ रखी होगी, लेकिन जब वो देखता है सिसेरियो जब उस पत्र को ओपन करता है सर टॉबी, तो सर टॉबी को विश्वास था कि इसके अंदर जरूर ही इस मूर्ख ने कुछ ना कुछ अपने ही विनाश के लिए कुछ लिखा होगा, मतलब उसने कुछ और चीज़ है इसमें। ओलिविया बिड्स फेयरवेल, ओलिविया वहाँ से सिसेरियो से विदा लेती है, आस्किंग हिम टू कम अगेन टुमारो, और वो कहती है कि कल दोबारा तुम जरूर आना, एंड सर टॉबी देन टेल सिसेरियो, फिर उसके जाने के बाद सर टॉबी सिसेरियो को बताता है दैट अ नाइट, की एक नाइट है, एक सामंत है, एक सेनापति है, बहुत ही युवा है, बहुत ही स्ट्रेंथ है, स्किल है एंड वार्म्थ है, और बहुत ही बुद्धिमान है और जोशीला है, इज वेटिंग टू फाइट, वो तुमसे लड़ना चाहता है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सर टॉबी और फेबियन गो बिटवीन, सर टॉबी और फेबियन जो है गो बिटवीन सिसेरियो, वो सिसेरियो और सर एंड्रू के बीच में जाते हैं सिसेरियो, एंड टेलिंग ईच ऑफ देम लाइज अबाउट द अदर, और टेलिंग ईच ऑफ देम, और दोनों से वो झूठ झूठे बातें करते हैं। फिर एंटोनियो, इसी बीच यहाँ पर एंट्री हो जाती है एंटोनियो की, एंटोनियो सी कैप्टन आ जाता है, तो वहाँ पर देखिए अब दोनों लड़ने लग जाते हैं, सर टॉबी ने सर एंड्रू और सिसेरियो वहाँ पर थे, तो सर एंड्रू ने पत्र दिया है और सर एंड्रू ने ललकारा है सिसेरियो को कि आओ तुम मुझसे ड्यूल करो, मेरे से युद्ध करो, द्वंद्व करो, और सर टॉबी ने भी दोनों को भड़का दिया है, और इसी बीच एंट्री हो जाती है एंटोनियो की, जो सी कैप्टन है जिसने सेबेस्टियन को बचाया था। एंटोनियो अराइव्स जस्ट एज सिसेरियो एंड सर एंड्रू फेस ईच अदर टू फाइट, तो एंटोनियो तभी पहुंच जाता है जब सिसेरियो और सर एंड्रू फेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एंटोनियो उन दोनों को लड़ने से रोकता है, ट्राइज टू स्टॉप दैम, थिंकिंग इज डिफेंडिंग सेबेस्टियन, और वो चाहता है कि सेबेस्टियन को बचाने के लिए। अब ये देखिए लड़ाई तो जो हो रही है वो सिसेरियो और एंटोनियो के बीच में हो रही है, लेकिन क्योंकि एंटोनियो को नहीं पता है वायला की बची है, तो वो एंटोनियो जो सिसेरियो है सिसेरियो को वो समझ रहा है सेबेस्टियन, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंटोनियो वहाँ पर बीच में पहुँच गया है, सिसेरियो और सर एंड्रू लड़ रहे हैं, लेकिन एंटोनियो को लगता है कि सेबेस्टियन लग रहा है क्योंकि दोनों की शक्लें मैच करती हैं। जस्ट देन ऑफिसर्स अराइव, फिर तभी वहाँ पर ड्यूक के ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं और एंटोनियो को भी गिरफ्तार कर लेते हैं फॉर
पास्ट क्राइम, जो भी भूतकाल में उसने अपराध किए हैं, इसीलिए उसे एंटोनियो को डर लग रहा था इलिरिया जाने में। अगेंस्ट ओरिसिनो, ओरिसिनो के खिलाफ जो भी अपराध किए हैं, इन एंटोनियो को पकड़ने के लिए वहाँ पर इलिरिया की सेना भी आ जाती है। एंटोनियो आज सिसेरियो, एंटोनियो सिसेरियो से कहता है टू हेल्प, बट एंटोनियो सिसेरियो से उसकी मदद करने के लिए कहता है, बट सिसेरियो सेज ही डज नॉट नो हिम। लेकिन सिसेरियो कहता है भैया मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो सिसेरियो है, और जबकि एंटोनियो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वह सिसेरियो को, वायला को सेबेस्टियन समझ रहा है, अपना दोस्त समझ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। तो एंटोनियो इसमें, यहाँ पर एंटोनियो पहुँच गया है बीच में, दोनों को लड़ने से रोकता है, सिसेरियो सर एंड्रू को। लेकिन उसी, वह उसको इसलिए लड़ने से रोकता है, वो सोचता है ये सिसेरियो को वह सेबेस्टियन समझता है, वायला का भाई समझता है, लेकिन वो है नहीं। जस्ट देन तभी फिर ऑफिसर भी आ जाते हैं वहीं पर, और ऑफिसर आके उसको अरेस्ट कर लेते हैं एंटोनियो को, क्योंकि एंटोनियो ने भूतकाल में कुछ गड़बड़ काम करे हैं ड्यूक ओरसिनो के ख़िलाफ़। तो एंटोनियो बाद में ज़्यादा समय कहता है सिसेरियो से कि हेल्प करे, लेकिन क्योंकि वायला उसे जानती नहीं है एंटोनियो को, जिसने सेबेस्टियन को बचाया है, एंटोनियो कैप्टन को, और वह तो उसे पहचानने से मना कर देती है। एक्ट फोर लास्ट की तरफ जा रहा, एक्ट फाइव है, सॉरी एक्ट फोर, एक्ट फोर स्ट्रीट बिफोर ओलिविया हाउस। तो एक्ट फोर जो होता है स्ट्रीट बिफोर ओलिविया हाउस, ओलिविया के घर के सामने की तरफ होता है। सीन फर्स्ट जो है, सेबेस्टियन इज कन्फ्रंटेड फर्स्ट बाय फेस्टे, तो सेबेस्टियन का जो सामना होता है पहले फेस्टे, देन बाय सर एंड्रू, फिर सर टॉबी और फेबियन, हु ऑल मिस्टेक्स हिम फॉर सिसेरियो, जो उसे सिसेरियो समझ रहे। तो यहाँ पर घेर लेते हैं आके सेबेस्टियन को, सेबेस्टियन वायला का भाई है, सेबेस्टियन को वो सिसेरियो समझ लेते हैं, वायला समझ लेते हैं सिसेरियो के भेस में। तो आपको पता है, तो सिसेरियो, तो सेबेस्टियन को अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बाकी कैरेक्टर्स को, फेस्टे को, सर एंड्रू को, सर टॉबी को और फेबियन को, और हु ऑल मिस्टेक्स हिम सिसेरियो, जो गलती से उसको सिसेरियो समझ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। सर एंड्रू स्ट्राइक हिम, सर एंड्रू की लड़ाई होती है वहाँ पर, सेबेस्टियन स्ट्राइक बैक, तो सर एंड्रू उस पर प्रहार करता है, तो सेबेस्टियन भी इसके बदले में स्ट्राइक करता है बैक, थिंकिंग एवरीवन इज मैड, और उसको लगता है ये पागल हो चुके, पता नहीं मेरे से क्यों लड़ रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है। ही ऑलमोस्ट गेट्स इनटू अ सॉर्ड फाइट विद सर टॉबी, वह सर एंड्रू के साथ तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, शॉर्ट फाइट के लिए तलवार का युद्ध होने लग जाता है। बट ओलिविया, लेकिन उसी बीच में ओलिविया वहाँ आ जाती है, रोक लेती है, सी सेंड सर टॉबी, और सर टॉबी को वहाँ से भेज देती है अपने अंकल को, और उसके दोस्तों को भी वहाँ से जाने को कहती है, एंड इनवाइट सेबेस्टियन टू हर हाउस, और सेबेस्टियन को अपने घर पर इन्वाइट करती है, क्या समझ कर, सिसेरियो समझ कर, क्योंकि उसे लग रहा है वो सिसेरियो है, थिंकिंग ही इज सिसेरियो, क्योंकि वह उसको सिसेरियो समझ रही है। सेबेस्टियन हैप्पीली फॉलोस हुई है, और सेबेस्टियन को लगता है एक बहुत ही सुंदर स्त्री मुझे, युवती मुझे आवंटित कर रही है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए। वो इस बात को लेकर खुश होता है और वहाँ चला जाता है, उसके घर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। सीन सेकंड, कीपिंग अप द प्रिटेंस दैट मालवोलियो हैज गॉन मैड। तो इस बहाने को, प्रिटेंस माने बहाना होता है, मालवोलियो हैज गॉन मैड एंड इज पजेस्ड बाय डेविल, तो अभी भी वही चलता रहता है कि मालवोलियो पागल हो चुका है और उसको पर किसी आत्मा ने का प्रभाव हो चुका है। मारिया और सर टॉबी ने उसको लॉक कर देते हैं मालवोलियो को एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं। तो वही सीन अभी भी चल रहा है, मतलब वही बहाना चल रहा है, वह मालवोलियो को साबित कर रहे हैं कि वो पागल हो चुका है, उसमें आत्मा आ चुकी है, और मारिया और सर टॉबी उसको एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं। दे गेट फर्स्ट फेस्टे टू विजिट हिम, वह फेस्टे को तो जाने देते हैं अंदर, फर्स्ट इन डिस्गाइज एज अ प्रीस्ट, पहले एक प्रीस्ट के रूप में, एक पुजारी के रूप में, और कॉल्ड सर टॉपस, सर टॉपस पुजारी बन के जब वो जाता है उसको जाने देते हैं उसके रूम में, एंड देन एज हिमसेल्फ, फिर उसको फेस्टे के रूप में जाने देते हैं। तो दो बार उसकी एंट्री होती है, दो बार वह सर एंड्रू को जिस डार्क रूम में बंद किया जाता है वहाँ पर फेस्टे जाता है, पहले पुजारी के रूप में, सर टॉपस के रूप में, और उसके बाद स्वयं फेस्टे के रूप में, मतलब वेश धारण करके जाता है उसे मूर्ख बनाने के लिए। यहाँ पर सीन थर्ड जो होता है, सेबेस्टियन वॉन्डर्स, तो सेबेस्टियन को आश्चर्य होता है वेदर ही इज मैड, सेबेस्टियन सोचता है वेदर ही इज मैड और ओलिविया इज मैड, क्यों उसे समझ में नहीं आता कि ये उससे प्रेम क्यों कर रही है, मतलब इनकी कोई मुलाकात नहीं, पहली ही बस एक ही बार मिली और इन्हें मुझे बुला लिया, या तो मैं पागल हो गया या तो ओलिविया पागल हो गई है। बट डिसाइड से ही लाइक्स हर, लेकिन डिसाइड करता है ही लाइक्स हर कि वह भी उसको पसंद करता है ओलिविया को। ओलिविया आस्क हिम टू गो, ओलिविया उससे कहती है विद द होली मैन, तो कि चलो हम होली मैन के साथ जाते हैं, होली मैन का मतलब इन टू द चैरिटी, होली मैन का मतलब है एक पुजारी के साथ या पादरी के साथ, चर्च के पादरी के साथ जाते हैं, इन टू द चैरिटी, चैरिटी का मतलब है चर्च, चैपल, मतलब एक चर्च में जाते हैं, वहाँ शादी करते हैं, एंड देयर प्रॉमिस टू मैरी हर, और वहाँ पर
तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मुझसे शादी करोगे। सेबिस्टियन भी विलिंगली अग्री हो जाता है, मतलब उसकी बात को अपनी इच्छा के साथ मान लेता है, तो वह शादी के लिए उसके लिए तैयार हो गया है और चर्च जाने के लिए तैयार है। एक्ट फाइव सीन फाइव, स्ट्रीट बिफोर ओलिविया हाउस, ये भी स्ट्रीट में होता है ओलिविया के घर के सामने। तो इसमें केवल एक ही सीन है। सिसेरियो इज गोइंग विद ओरिसिनो ऑन अ विजिट, एक्ट फाइव का सीन फर्स्ट है, इसमें और कोई सीन नहीं है। सिसेरियो इज गोइंग विद ओलिविया ओरिसिनोस ऑन अ विजिट टू ओलिविया एंड एंटोनियो इज ब्रॉट इन बाय ऑफिसर। सो सिसेरियो इज गोइंग विद ओरिसिनो, सॉरी सिसेरियो ओरिसिनो के साथ जाता है, ड्यूक ओरिसिनो के साथ जाता है ऑन अ विजिट टू ओलिविया, ओलिविया से मिलने के लिए। एंड एंटोनियो इज ब्रॉट इन बाय ऑफिसर, और एंटोनियो इज ब्रॉट इन बाय ऑफिसर, एंटोनियो को भी लाया जाता है पकड़कर ड्यूक ओरिसिनो के ऑफिसर्स के द्वारा। ओरिसिनो रिकग्नाइज करता है, ओरिसिनो ड्यूक ओरिसिनो तो एंटोनियो को पहचान लेता है एज अ नोटेबल पायरेट, बट सिसेरियो रिकग्नाइजेस हिम एज अ मैन हु डिड मी काइंडनेस। तो ड्यूक ओरिसिनो उसको पहचान लेता है एंटोनियो की, ये तो वही अपराधी है जिसने बहुत अपराध कर रखे हैं, लेकिन जो सिसेरियो है वह उसको इसके रूप में एक ऐसे आदमी के रूप में पहचानता है जिसने उसके साथ काइंडनेस की थी, जिसने उसके ऊपर दयालुता दिखाई थी और उसको युद्ध में बचाया था जब उसका युद्ध सर एंड्रू एगुचिक से हो रहा था, जब उन दोनों में ड्यूल चल रहा था तो उसी बीच में आके एंटोनियो ने उसे बचाया था। स्टेपिंग इन टू हेल्प हिम, तो वह आगे बढ़ता है उसकी मदद करने के लिए अगेंस्ट सर एंड्रू, स्टेपिंग इन टू हेल्प हिम जो उसकी मदद करने के लिए आया था जब सर एंड्रू उसके खिलाफ था। एंटोनियो स्टिल थिंक्स सिसेरियो, लेकिन एंटोनियो को अभी भी लगता है कि वह अभी भी उस सिसेरियो को सेबेस्टियन समझ रहा है। एंड एक्सप्लेन्स हाउ ही सेव्ड द बॉयज, और वो उसे बताता है, वहाँ बताने की कोशिश करता है कि मैंने तेरी जान कैसे बचाई थी, तू भूल गया वो सब, 3 मंथ एगो, 3 महीने पहले मैंने तेरी जान कैसे बचाई थी। वो उसे एक्सप्लेन करता है, तो याद दिलाता है कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो तुम। अब सिसेरियो क्योंकि वायला है, वो उसने कभी देखा नहीं है एंटोनियो को, तो वो नहीं पहचान सकती, वह तो केवल सेबेस्टियन को जानता है, भाई को जानता है उसके भाई को। तो वहाँ पर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको समझाने लग जाता है कि देखो भाई मैंने कैसे 3 महीने पहले तुमको बचाया था और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। और ओरिसिनो सेज दैट ही इज मैडनेस, तो ओरिसिनो सोचता है कि शायद ये पागल है, और ओरिसिनो को विश्वास नहीं होता है इस बात पर कि एंटोनियो सिसेरियो को जानता है, लेकिन एंटोनियो उसको सेबेस्टियन समझकर उसे याद दिला रहा है। व्हेन ओलिविया अराइव्स, तो उसी बीच में वहाँ पर ओलिविया की एंट्री हो गई। अब ओलिविया अराइव्स और ओरिसिनो बिकम्स एंग्री, तो ओलिविया भी वहाँ पहुँच जाती है और ओरिसिनो एंग्री हो जाता है दैट सी इज स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, और वह उसे बताती है कि भाई वह यह जानकर कि वह अभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ओलिविया को उससे प्रेम नहीं है। एंड इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज सर्वेंट, और उससे ज़्यादा वह उसके सर्वेंट में इंटरेस्टेड है। वो ये बात जब उसे पता चलती है ड्यूक ओरिसिनो को, तो वह इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाता है कि मैंने सिसेरियो को अपने प्रेम प्रस्ताव लेकर भेजा था और इसने वहाँ पर मतलब इसी से प्रेम कर लिया, मैं जिस लड़की से प्रेम करता था इसने उससे प्रेम करने लग गया। इस बात को सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और ओरिसिनो थ्रेटन सिसेरियो, तो ओरिसिनो सिसेरियो को धमकी देता है आउट ऑफ जेलेसी, जलते हुए। बट सिसेरियो कहता है ही वुड विलिंगली डाई 1000 deaths, कि वह हजारों बार मरना चाहेगा ओरिसिनो के लिए, वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, कि वह कभी ओरिसिनो के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। व्हेन ओलिविया हियर्स दिस, जब ओलिविया इसको सुनती है सी इज रियली शॉक्ड, तो उसको शॉक लगता है, थिंकिंग दैट सिसेरियो हैज ओनली जस्ट मैरिड हर, कि अभी अभी तो मतलब उसने अभी अभी उससे शादी करी है। एंड द प्रीस्ट इज कॉल्ड, और प्रीस्ट को बुलाया जाता है एंड कन्फर्म्स दियर इंटरचेंजमेंट ऑफरिंग, और फिर वह पुजारी को बुला लेती है ये बात साबित करने के लिए, भाई हम दोनों की तो शादी हो गई है और अब ये मना कर रहा है। इंटरचेंजमेंट ऑफरिंग का मतलब इस बात को साबित करने के लिए कि उन दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि क्रिश्चियन में ईसाई में रिंग्स पहनाते हैं शादी में, तो रिंग का इंटरचेंजमेंट को प्रूव करने के लिए पादरी को बुलाया जाता है। एंड हैपन्ड ओनली 2 आवर्स बिफोर, जो अभी 2 घंटे पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों की शादी, तो सेबेस्टियन और जो सेबेस्टियन है और ओलिविया की शादी हुई है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वह कहती है कि भाई अभी तो सिसेरियो से कि तूने पहले अभी अभी शादी करी थी और अब तू मना कर रहा है मेरे से, और तू ये कह रहा है कि मैं हजारों बार भी मरूंगा फिर भी और ओरिसिनो ऐसा नहीं करूंगा ओरिसिनो के लिए। तो वह इसको साबित करने के लिए ओलिविया वो पुजारी को बुलाती है कि भाई अभी अभी हमारी 2 घंटे पहले शादी हुई थी। सर एंड्रू और सर टॉबी, इसी बीच में सर एंड्रू और सर टॉबी भी इंटरप्ट कर देते हैं, बीच में आ जाते हैं। दे आर बोथ इंजर्ड, दोनों ही घायल हैं क्योंकि अभी अभी दोनों की लड़ाई हुई थी, क्योंकि उन्होंने वायला के भाई
वायला का जो भाई है सेबेस्टियन को घेर लिया, क्या समझकर, सिसेरियो समझकर घेर लिया था, और वहाँ उनकी बहुत लड़ाई होती है और बहुत उनकी पिटाई भी हो गई, दे थिंक विद इज सिसेरियो, जिससे वह सिसेरियो समझ रहे हैं। ठीक है, तो सर एंड्रू और सर टॉबी बीच में आ जाते हैं, दे आर बोथ इंजर्ड, दोनों ही घायल हैं, फ्रॉम फाइटिंग विद अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन से मतलब वायला के भाई सेबेस्टियन से लड़कर, दे थिंक इस सिसेरियो, जिससे वह सिसेरियो समझ बैठते हैं, दे आर फॉलोड बाय सेबेस्टियन, उसके बाद सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाता है, हु कम्स इन अपोलोजाइजिंग, जो ये मानने के लिए तैयार हो जाता है, ओलिविया इज हर्टिंग सर फॉर सर टॉबी, जो अपोलोजाइज माफ़ी मांगता है वहाँ पर आकर वायला ओलिविया से कि भाई सर टॉबी तुम्हारे अंकल को मैंने चोट पहुँचाई उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, एवरीवन इज अमेज, हर किसी को आश्चर्य होता है जब वो देखते हैं, टू विटनेस वन फेस वन वॉइस, की एक जैसी आवाज़ एक जैसा चेहरा, क्योंकि ओलिविया सॉरी वायला जो और उसका भाई जो सेबेस्टियन है दोनों आमने सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई एक जैसी आवाज़ एक जैसा चेहरा, सबको अब रिवील होता है यहाँ पर कि भाई ये दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, एज सेबेस्टियन एंड सिसेरियो फेस ईच अदर, क्योंकि सेबेस्टियन और सिसेरियो का फेस एक जैसा है, द ट्रूथ कम्स आउट, और सत्य सामने आता है एट द लास्ट ला अंत में, दैट बोथ ट्विंस की दोनों ही जुड़वा हैं, वर सर्व्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग, और उसके भाई को ड्रॉनिंग से मतलब डूबने से बचा लिया गया था, दैट सिसेरियो इज रियली वायला, और सिसेरियो जो है वो वास्तव में वायला है और वह एक औरत है। अब यहाँ पर सत्य सामने प्रकट हो जाता है सभी के सामने, तो फेस्टे, अब बीच में फिर फेस्टे आ जाता है, फेस्टे गिव्स ओलिविया लेटर, फेस्टे भी वहाँ पर आकर ओलिविया को एक लेटर देता है मालवोलियो, फ्रॉम मालवोलियो की तरफ से जो है, एंड सी सेंड्स फेबियन टू रिलीज हिम, और वह आदेश देती है फेबियन को कि भाई मालवोलियो की इसमें कोई गलती नहीं है, अब मालवोलियो को रिलीज कर दो, व्हेन ही अराइव्स, जब वह वहाँ पर पहुँचता है, मालवोलियो शोस ओलिविया, मालवोलियो दिखाता है ओलिविया को लेटर रिटन बाय मारिया, जो मारिया के द्वारा लिखा गया था, वो लेटर उसको देखती है, और एंड ओलिविया रियलाइज, ओलिविया को रियलाइजेज होता है कि इट इज़ अ फॉर्जरी, ये तो मतलब जालसाजी है, ये किसी ने मालवोलियो को जालसाजी रचकर मतलब कोई प्लान रच के उसको बेचारे को फंसाने की कोशिश की थी, फेबियन टेल्स हर दैट मारिया राइट्स द लेटर, तो फेबियन ये भी बात बताता है कि ये जो लेटर था ये लेटर मारिया ने लिखा था, उसकी नौकरानी मारिया ने लिखा था, सर टॉबी इज ग्रेट इम्पोर्टेंस, जिसे सर टॉबी मतलब बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो एंड दैट सर टॉबी एंड मारिया आर नाउ मैरिड, और उससे ये भी बताता है कि सर टॉबी और मारिया ने शादी कर ली है, मालवोलियो वॉक्स ऑफ डिक्लेयरिंग रिवेंज, मालवोलियो वहाँ से निकल जाता है कि वो उन सबसे बदला लेगा, हु पैक ऑफ यू, मतलब उन सभी लोगों से बदला लेगा जितने भी लोग वहाँ पर हैं, ओलिविया और सेबेस्टियन और ओरिसिनो और वायला लुक फॉरवर्ड टू दियर जॉइंट वेडिंग सेलिब्रेशन, और ओलिविया और सेबेस्टियन ड्यूक ओरिसिनो और वायला सभी लोग अपनी फ्यूचर अब जो शादी के लिए प्लानिंग करने लगते हैं यहाँ पर, तो इतना सब कुछ हो जाता है, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो प्ले की शुरुआत थी, शुरुआत में तो हम देखते हैं कि ड्यूक ओरिसिनो जो था वो ओलिविया से प्रेम करता था, ओलिविया जो थी ओलिविया को प्रेम नहीं था, और जो वायला है तो ड्यूक ओरिसिनो ओलिविया से प्रेम करता था, और जो और ओलिविया है वो वायला से प्रेम करने लग जाती है, और जो वायला है वो ड्यूक ओरिसिनो से प्रेम करती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक अलग ही तरीके का प्रेम नज़र आता है कि ड्यूक ओरिसिनो जो शुरुआत में देखें तो ड्यूक ओरिसिनो प्ले के शुरुआत में ओलिविया से प्रेम करता था लेकिन उसकी शादी वायला से हो जाती है, ओलिविया जो थी वायला से प्रेम करती थी लेकिन वायला की शादी सेबेस्टियन से हो जाती है उसके भाई, क्योंकि जब उसे यह पता चलता है कि ओलिविया वह जो है जो वायला है वो सिसेरियो के रूप में है, वो लड़के के रूप में थी, वो लड़का नहीं है वो लड़की है, जब उसे यह पता चलता है तो अब ओलिविया वायला से शादी कर नहीं सकती थी, तो वायला जैसे ही देखती है उसके भाई को देखती है वो उस पर मोहित हो जाती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, इसी के साथ ये प्ले समाप्त हो जाता है। तो हमें एक अलग ही तरीके का प्रेम संबंध नज़र आता है कि ड्यूक ओरिसिनो जो शुरुआत में ओलिविया से प्रेम करता था लास्ट में शादी कर लेता है वायला से, क्योंकि ओलिविया उसके प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और ओलिविया जो है ओलिविया जिसे सिसेरियो से प्यार हुआ था, भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग में प्यार हुआ था, सिसेरियो से प्रेम हुआ था उसको, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई जो ये सिसेरियो है ये तो लड़की है वायला है, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ, तो जब सेबेस्टियन की एंट्री हो जाती है तो वह सेबेस्टियन से प्रेम हो एक फर्स्ट साइट में प्रेम हो गया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एक ऐसा प्रेम देखते हैं सबका, ओलिविया और ड्यूक ओरिसिनो का, जो एक स्थिर नहीं है, बाद में चेंज हो गया,
चेंजेबल उनका मूवेबल प्रेम था, लेकिन एक तरफ हम वायला का कैरेक्टर देखते हैं तो वायला शुरुआत से ही ड्यूक ओरिसोनो से प्रेम करती थी और अंत में भी उसी से शादी करी। तो इस प्रकार से वायला जो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच। इसमें जितने भी आपको बता दिए जाएँ बता देता हूँ कि जितना भी सब कुछ मैंने अभी आपको इसमें पूरे प्ले में पढ़ाया है बताया है स्टोरी, इसको एक्ट वाइज और सीन वाइज आप समझ लीजिए कि किस एक्ट में किस सीन में क्या क्या हुआ था, क्योंकि कई बार बीच में सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।